सुंदर घने और मजबूत बालों की ख्वाहिश तो हर लड़की की होती है। सभी चाहते हैं कि उनके बाल एकदम लाइट ब्राइट और एकदम घने दिखे, एकदम चमकीले दिखे। तो इसके लिए बहुत ही हमारे बालों की बहुत ही अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग एंड ब्यूटी विद अर्चना झा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज का मेरा ये वीडियो, जो कि आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने बालों में तेल लगाए। वैसे तो नॉर्मली तेल कैसे लगाया जाता है बालों में ये तो सबको पता है, बट आज जो मेरा ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं मत जाएगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने बालों में किस तरह से तेल लगाएं जिससे कि आपके बाल लंबे घने और मजबूत हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं ना सभी के बालों को लेकर। बहुत ही ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं कि इतने बाल झड़ रहे हैं, रूखे हो गए हैं या घने नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डल हो गए हैं बाल। बहुत दिनों से आप लोग के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप हेयर पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना ही देती हूँ। जिससे बहुत लोगों के बाल है जैसे कि लगता है कि स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा वाइली वाइली हो रहा है, लेकिन बाल एकदम रफ और ड्राई दिखते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने मेरा ये आज का वीडियो बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जो भी तेल लगाते हैं उसमें कुछ और इन्ग्रीडियंट्स मिक्स कर देंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा हमारे बाल लाइट एंड ब्राइट दिखेंगे, घने होंगे, मजबूत होंगे, और जो भी बालों की प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेना है हेयर ऑयल। जो भी हेयर ऑयल आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ केश किंग हेयर ऑयल, और आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। उतना ही क्वांटिटी में लीजिए जितना आपको चाहिए, आपका बाल जितना ऑब्जॉर्ब कर पाए। बालों के लेंथ के अनुसार से हमें तेल लेना है, और इसमें हम मिलाएंगे विटामिन ई कैप्सूल। तो विटामिन ई कैप्सूल आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। आप चाहे तो एक या दो विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ, और इस तरह से उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो मिला लेंगे तेल में, तेल में डाल लेंगे। उसके बाद मैं लूँगी, यह है गुड वाइब्स का है कैलेंडुला जेल। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसकी जगह पे एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। कैलेंडुला जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, बालों को एकदम सिल्की शाइनी बनाने में मदद करता है, स्कैल्प के डेड स्किन को रिमूव करता है ये कैलेंडुला जेल। और विटामिन ई कैप्सूल बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही बहुत ही तेज़ी से लंबे होंगे आपके बाल। और केश किंग तो ऐसे ही आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, नए बाल उगाता है और बालों का झड़ना भी बंद करता है। तो इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करके अब हम लगाएंगे अपने बालों में तेल को। इस तरह से लगाना है। आप चाहे तो कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं। बालों की जड़ों में तेल ले जाना चाहिए, जिससे कि बालों की जड़ें मजबूत हों और बालों का झड़ना वो बंद हो जाएगा, कम होगा धीरे धीरे। और मसाज करना है, लगभग 20 मिनट तक मसाज करना है। जब पूरे बाल में तेल लग जाए उसके बाद 20 मिनट तक मसाज करना है। उसके बाद आप चाहे तो गर्म तौलिया भी लपेट सकते हैं, फिर कोई माइल्ड शैम्पू से, कोई हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिए, अपने बालों को धो लीजिए। नहीं तो आप बाल धोने से एक दिन पहले ही रात को चंपी कर लीजिए अच्छे से, फिर कल हो के बाल धोते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। और कोई रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा वीडियो वो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से तेल लगा लेना है, अपने पूरे बाल में तेल लगा लेना है। पहले जड़ों में लगा लेना अच्छे से, उसके बाद फिर किनारे में लगाएंगे, पूरे बाल में अच्छे से तेल लगा लेना है। इस तरह से जब पूरे बालों में तेल लगाते हैं एकदम अच्छे से, तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, ड्राई बिल्कुल नहीं दिखते, रफ नहीं लगते हैं बिल्कुल। और इसमें हमने कैलेंडुला जेल मिलाया, उसकी जगह पे आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, जो कि बालों को मुलायम रखता है, एकदम सिल्की शाइनी बनाता है। तो कुछ इस तरह से आपको मसाज करना है, लगभग 20 मिनट तक इस तरह से हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इससे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चालू हो जाता है, और बालों का झड़ना जो है वो कम करता है, बंद ही कर देता है, और नए बाल भी उगते हैं।
इस तरह से पूरे बाल में मसाज करना है हल्के हाथों से। उसके बाद आप ऐसे कंघी कर लीजिए और 20 मिनट जब मसाज हो जाए उसके बाद ही आप शैम्पू कीजिए, कोई अच्छा सा शैम्पू। और गीले बालों में आप कंघी नहीं करेंगे तो ही ठीक रहता है, बाल ज़्यादा नहीं झड़ेंगे बाद में। जब बाल हल्का सूख जाए तब कंघी करिए। और उसके बाद सीरम ज़रूर लगाएं, जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो शैम्पू यूज़ करने के बाद बालों में सीरम लगा लीजिए, उससे भी बाल सिल्की शाइनी बनेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर मेरा तेल जो लग चुका है बालों में, अच्छे से हमने तेल लगा लिया है। ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।